24 दिसंबर 2021। तो आज मैं मेरे गार्डन का एक अपडेट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि यहां पर बोगनवेलिया प्लांट पे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग दोबारा शुरू हो चुका है। मैं लास्ट एक महीने पहले प्लांट को प्रूनिंग किया था, प्रूनिंग करने के बाद बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आए हैं और फ्लावरिंग हो रहा है। यहाँ पर मैं जो कैरी बनाया था छत के ऊपर नीचे चारों तरफ ब्रिक्स देकर प्लास्टिक लगाकर इनमें मैं एक ग्रीन वेजिटेबल्स की वैरायटी को ग्रो किया था, जिसे पुनका साग कहते हैं बंगाली पे, जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और दो बार मैं इसमें हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ। अभी भी बहुत सारे हैं जिसको मैं दो या तीन बार हार्वेस्ट कर सकता हूँ। इस साइड पे मैं दोबारा पालंग की सीडलिंग किया हूँ, हालांकि अभी तक तो निकल कर आए नहीं होंगे शायद, तो देखते हैं कितने दिनों में इसमें प्लांट्स बनते हैं। यहाँ पर मेरे मैरीगोल्ड के सभी प्लांट है जो थोड़ा बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। इस प्लांट को मैं अगस्त में ही कटिंग ग्रो किया था और अक्टूबर के एंड से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुका था, तो इस वजह से देखिए प्लांट्स पे ज़्यादा बहुत अब फ्लावरिंग नहीं है, क्योंकि बहुत दिन पहले से ही ये फ्लावरिंग शुरू किया था। और पीछे ही मेरे टमाटर के प्लांट पे बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, एक आध टमाटर तो पकना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये पकना शुरू हुआ है, उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा टमाटर लगेंगे। यहाँ पर दो टमाटर के प्लांट है और दोनों प्लांट पे ही फ्लावरिंग और टमाटर बनना शुरू हुआ है। यहाँ पर चीकू के जो प्लांट है मेरा 16 इंच पॉट के अंदर, इसमें इस साल दोबारा चीकू बनना शुरू हुआ है। यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है और वहाँ पर एक है, और अभी भी बहुत सारे चीकू बन रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, मतलब इस बार मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर इसमें 6 चीकू लगे थे। 3 साल पुराना प्लांट है, पहले 2 साल में इसमें चीकू नहीं लगा था, तो लास्ट ईयर से ही इसमें चीकू बनना शुरू हुआ है। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के 2 प्लांट है, और यहाँ पर क्रिसेंथेमम के कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट पे भी फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, मतलब बर्ड्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट सभी प्लांट पे। क्रिसेंथेमम के प्लांट्स को मैं बहुत लेट से सीड कटिंग किया था, इस वजह से देखिए अभी फ्लावरिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जस्ट बर्ड्स ही आए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फ्लावरिंग शुरू कर देगा। यहाँ पर टमाटर के और कुछ प्लांट जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं, इसके ग्रोथ देखिए। हालांकि एक थर्मोकोल डिब्बे के अंदर मैं 3 टमाटर के प्लांट्स को ग्रो कर चुका हूँ, तो हालांकि इसमें 4 थे, एक को मैं निकाल दिया हूँ और अभी भी 3 है, तो 2 अगर रहे तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसमें 3 है, अभी मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि प्लांट अभी बहुत ही बड़ा बन चुका है। यहाँ पर मैं मिर्च के कुछ प्लांट को ग्रो किया हूँ और एक पुराने मिर्च के प्लांट पे मिर्च बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सब थर्मोकोल डिब्बे के अंदर ही है। कोरिएंडर के जितने सारे प्लांट्स थे सभी को मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर एक आध प्लांट्स है जिसमें देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, और यहाँ पर सामने के साइड पे और कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट है, इन सबको भी मैं कटिंग से ही ग्रो किया था। और यहाँ पर मेरे डहलिया के प्लांट, जिसमें आपको सब एक ही कलर के फूल देखने को मिल जाएंगे क्योंकि कटिंग से मैं ग्रो किया था, तो सभी एक प्लांट से ही शायद हो चुका है। और यहाँ पर एक प्लांट है, शायद इसमें अलग कलर के फूल खिलेंगे क्योंकि इसके पत्ते के जो पैटर्न है ये अलग है, बाकी प्लांट्स के पत्ते जो है वो थोड़ा अलग है। और फूल के कलर लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, और बहुत ही बड़े साइज में ये फूल देना शुरू किया है। देखिए सभी प्लांट पे ही एक ही कलर का फूल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी है ऑलमोस्ट, यहाँ पर शायद 11 या 12 फ्लावरिंग डहलिया के प्लांट है, और सभी मेरे कैरी बैग के अंदर, मतलब ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। तो आप भी 10 इंच के ग्रो बैग के अंदर डहलिया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे स्केयर क्रो है, इसके वजह से मुझे बहुत फायदा मिला है क्योंकि लास्ट कुछ दिन पहले मंकी आकर मेरे बहुत सारे प्लांट को नुकसान किया है, मेरे बैगन प्लांट को नुकसान कर दिया है। बहुत सारे बड़े साइज के बैगन लगे थे मेरे प्लांट पे और वो खा चुका है, डहलिया प्लांट को भी नुकसान किया है, बहुत सारे डहलिया के बर्ड्स को वो खराब किया है, और सबसे ज़्यादा नुकसान किया है मेरे रोज के प्लांट को, जो ऑलरेडी मैं शेयर किया हूँ। जितने सारे बर्ड्स थे रोज के प्लांट पे उन सबको वो काट कर फेंक दिया है, मतलब एक भी फूल नहीं है मेरे प्लांट पे। हालांकि इस समय बहुत अच्छे फ्लावरिंग करते हैं रोज प्लांट पे, तो ऐसा आप भी बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 2 बांस को मैं ऐसे बांधा हूँ और ऊपर
एक गुल्लक के टुकड़े को मैं लगाकर कलर कर दिया हूँ और एक शर्ट में पहना दिया हूँ। तो इस तरीके से आप भी बनाकर आपके गार्डन को सेफ कर सकते हो हनुमान से। हनुमान इससे दूर जाते हैं, हनुमान इसके आसपास नहीं आते हैं, तो इससे आपके गार्डन भी अच्छा खासा सेफ रहेगा। जैसे कि मैं बोला था बैगन के मेरे प्लांट को खराब किया है, तो ये बैगन के प्लांट है, इसमें बड़े बड़े साइज के 4 या 5 बैगन लगे थे। तो जो भी है अभी दोबारा ये फ्लावरिंग शुरू किया है, बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं यहाँ पर भी है। और यहाँ पर कुछ देसी वैरायटी है गुलाब के जो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग किया है, मेरे बहुत पुराना प्लांट है ये, देखिए कितने बड़े साइज में इसमें फूल खिल रहे हैं। तो देसी रोज प्लांट पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आप अगर थोड़ी बहुत केयर कर पाओ। फूल के साइज भी बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं। हालांकि इस पौधे का एक खामियां है जो ये है कि इसके जो फूल लगते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, मतलब 2 या 3 दिन के अंदर ही झड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लावर झड़े हुए हैं। और यहाँ पर देसी गुलाब के और एक वैरायटी है, यह है लाइट रेड और यह भी फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और फ्लावरिंग करता है। और सभी मेरे 10 इंच पॉट के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं पहले दिखाया एक थर्मोकोल डिब्बे के अंदर 3 प्लांट है, तो ये टमाटर प्लांट भी उसी थर्मोकोल डिब्बे के अंदर ही लगा हुआ था। तो कुछ दिन पहले मैं इसको शिफ्ट किया हूँ बस्ते के अंदर। कुछ मिर्च के प्लांट भी है यहाँ पर और पीछे के साइड पे कुछ बैगन के प्लांट है जो ग्रोथ बहुत ही अच्छा कर रहा है अभी। और इस साइड पर भी और एक बैगन के प्लांट है, इसमें तो बैगन लगना भी शुरू हो चुका है, एक ही साथ मैं लगाया था, यहाँ पर एक बैगन लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। पत्ते के साइज देखिए बहुत ही बढ़िया है और बैगन बनना शुरू हुआ है। यहाँ पर और एक देसी गुलाब के प्लांट है, यहाँ पर जो फूल खिले हैं देखिए कितने बड़े साइज के ये फूल खिला है, कलर एकदम लाइट पिंक है, व्हाइट कलर की तरह ही है, मतलब लाइट पिंक है, एकदम लाइट पिंक। और इस साइड पे मेरे पिटूनिया के प्लांट्स है, पिटूनिया के प्लांट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर ये फ्लावरिंग शुरू कर देगा। यहाँ पर देखिए बर्ड्स भी आना चालू हो चुका है। तो पिटूनिया प्लांट्स को ही मैं खाली खरीदा हूँ विंटर सीजन वाले, बाकी किसी भी प्लांट को मैं इस साल खरीदा नहीं हूँ, लास्ट ईयर के प्लांट से ही मैं कटिंग से ग्रो किया था। और यहाँ पर मेरे जो कैरी में बनाया हूँ छत के ऊपर, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मूली के बहुत सारे पुराने प्लांट्स हैं और कुछ मूली के प्लांट्स को मैं हार्वेस्ट भी किया हूँ अभी, जैसे जैसे ज़रूरत होता है उस हिसाब से मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे मूली के प्लांट्स हैं जो मैं चाहूँ तो हार्वेस्ट कर सकता हूँ।